जाएगा। ऐसे ही घुंघरी रखो, तोता उड़, चिड़िया उड़, टीवी उड़, मैं उड़ता ना, तुम उड़ाना। चलो पापा घुंघरी रखो, रखो ना पापा। आज नहीं बेटा, आज हम काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कल खेलेंगे। अब हमें कहानी सुनाओ ना। बेटा आराम से। चिंकी, अभी ना तुम्हारे सोने का वक्त हो गया, इसलिए ना तुम आराम से सोए जाओ। हम नहीं सोएंगे, हम आपके साथ नहीं पापा के साथ सोएंगे। लो तो हमारी चिंकी यहाँ पर है। चलो आज चिंकी अपनी बुआ के साथ सोएगी। आ जाओ। हम पापा के साथ सोएंगे। ओह, अच्छा ठीक है, अगर आज आप बुआ के साथ चलोगे ना तो हम तुम्हारे लिए एक डॉल लेकर आएंगे। पक्का? पक्का। चलो आओ। ये बात। अच्छा बताओ कौन सी स्टोरी सुनोगी, डॉल वाली? हाँ डॉल वाली, और उसके बाद फेरी वाली। हाँ देखे तुम आदर्श, चिंकिया कितनी जिद्दी हो गई है, और उनकी जितना एकदम सही भी है, काहे कि अपने पापा को इतनी टेम बात मिली है, उनको छोड़ेगी थोड़ी ना। वैसे तुमको एक बात बताएं, चिंकिया ना तुमको बहुत याद करती थी। उन्होंने रोज हमको ये पूछती थी कि हमारे पापा कब लौटेंगे, हमको हमारे पापा के पास लेके चलो, हमको अपने पापा की ना बहुत याद आ रही है। हम भी ना तुमको बहुत याद किए थे, और तुम वापस लौट के आओगे ना, यही आस में ना हम 3 साल काट दिए, और तुम्हारे बिना ना हमारी जिंदगी एकदम खाली से हो गई थी। और तुम हमको ये बताओ कि अपने बीबी को कौन इतनी देर तक छोड़ के जाता है का? बोलो ना। अरे तुम ना हर वक्त ही बस काम में ही पड़े रहते हो। अरे बस अब तुम हमको ये बताओ कि जब तुम विदेश में थे तब तुम हमको याद किए थे कि नहीं? कोमल तुम, अरे अभी सब आजा बाजा छोड़ो, तुम ना सीधा सीधा हमें ना सवाल का जवाब दो। हमको बताओ ना कि जब तुम विदेश में थे तुम हमको का एक को बार दिल से याद किए थे? हाँ किए थे। तो फिर तो तुमको हमें नजदीक होना चाहिए ना, दूर नहीं। अच्छा आदर्श, जैसे तुम पहले हमको कब्बो कब्बो अंग्रेजी में वो आई लव यू वो हमको एक को बार बोलो ना। अरे बोलो ना, इतना शान काहे मार रहे हो? I love you. ये हुई ना बात। अरे सज्जन बहू, काहे यहाँ बैठी कमर तोड़ रही हो? अरे इतना थक के आई हो, जाओ आराम कर लो, नहीं तो बीमार पड़ जाइयो। कहाँ आराम करे अम्मा, अरे बाबा हमको बीमार कर देगा। आई मस्तरनी का परपंच ना हमारी जान लेके रहेगा, सही कह रहे। बाबू हमका ना जल्दी से खाना दे दो, फिर देरी हो जाएगी। हैं? हाँ तुम बैठो, हम अभी गर्मा गर्म चपातियां बना कर लाते हैं। हाँ। अरे वाह कृष्णा भैया, प्रणाम, कैसे हो? बैठे। महादेव कसम भैया, आपसे बिना मिले चले गए होते तो बड़ा अफसोस होता हमको। बस आपके दर्शन हो गए, आना सफल होगा। हम तो आप ही से मिलने की खातिर आए थे। वैसे यहाँ दिल्ली में आया कि कुछ दिनों पहले वहाँ गार्डन में, वो कंपनी गार्डन में
कौनो लुच्चे लफंगे बदमाश टाइप लोग एक तो लड़की को छेड़ रहे थे।